3, और ये मेरा लोड है जिसको मुझे डिलीवर करना है। और मैं हाईवे पर ही जो एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए मैंने अभी अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रिपेयर किया है। टो वाले को बुलाकर उसने रिपेयर किया है, और अभी हम चलते हैं अपने काम पर। तो सबसे पहले चलते हैं इंटीरियर में, और फिर इंजन तो चालू है, तो चलो फॉरवर्ड करते हैं। और अभी जो है हमें हुडका जो है काफ़ी हेवी लोड है ये, इसलिए जो है एक्सीडेंट हो गया था। अगर लाइट लोड होता तो अब तक पहुंच भी गए होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हेवी लोड है। और मेरा जो ट्रक है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा इम्प्रूवड है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है स्पीड वगैरह पे। वरना तो भाई अगर नॉर्मल ट्रक होता ना तो वो तो अब तक इधर मतलब पूरा टूट गया होता और ख़राब हो जाता। लेकिन मैंने अपने ट्रक में काफ़ी सारे अपग्रेड किए, इसलिए ये अभी काफ़ी हाई स्पीड पे चल सकता है। और कितनी जल्दी ये देखो, अभी कितनी जल्दी 100 की स्पीड पकड़ लेगा। अभी 97 ऑलरेडी हो चुका है इसका, और 99, और ये 100, मतलब कितनी जल्दी 100 की स्पीड पकड़ ली इसने। वरना अगर नॉर्मल ट्रक होता तो अब तक 80 की स्पीड भी नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन इसका का पूरा लोड जो है वो निकल जाएगा, और अगर लोड निकल गया तो फिर तो भाई मालिक पूरा ऐसा निकाल देगा बाहर ही, बोलेगा चल निकल साले, मेरा पूरा लोड भी निकाल दिया और ट्रक भी तोड़ दिया करेगा। ऐसे ये ट्रक तो अपना ही है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं, अपना ट्रक है इसलिए अपग्रेड है। अगर मालिक का होता ना तो भाई कुछ अपग्रेड वपग्रेड कुछ नहीं होता, बेकार ट्रक होता। अरे 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 अरे, ठुकना नहीं था बाबू भैया, ठुकना नहीं। ओके, चल सकता है, चल। नहीं, सोना नहीं मुझे, गाइस माफ़ कर देना यार, क्या ना बातों के चक्कर में यहाँ पर बहुत ख़तरनाक वाला सीन हो जाता। और यहाँ पर अभी सीन हो चुका है, मेरे को चलान वगैरह भरना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं उल्टा चला रहा हूँ, वो भी एक्सप्रेस वे में। तो ये काफ़ी एक बड़ी गलती है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम आगे चले गए तो हमें आगे ही जाना पड़ेगा, आगे से कहीं और से यू टर्न लेना होगा। और ये गेम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, पर रियल लाइफ में ऐसा मत करना तुम लोग। और केबिन की लाइट किधर गई? हाँ ये रही, और ये हेडलाइट भी चालू कर देता हूँ मैं। अरे क्या हुआ? ओके, तो हेडलाइट भी चालू हो गई, और अभी जो है हमें काफ़ी सही तरीके से जो है रोड वगैरह दिखेगा। और आई गेस हम ऑलमोस्ट अपने शहर में पहुँच गए। पता नहीं यार कौन से शहर में जाना था, कोई बात नहीं। हमने जो है रात का सफ़र हो चुका है अभी, ये मतलब दिन में निकले थे, दोपहर में एक्सीडेंट हुआ, फिर शाम में निकले, और अभी भी एक्सीडेंट होते होते बच गया है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बचा लिया तो अभी पहुंचा भी देगा, बस देखना है कि वापस से एक्सप्रेस वे तो नहीं पकड़ना है ना, मतलब सीधे सीधे ही जाना रहेगा तो काम हो जाएगा। और मेरे ख्याल से हम शहर में ही जा रहे हैं अभी, इसका मतलब अपना डेस्टिनेशन बहुत ही करीब है, हमें ज़्यादा दूर वगैरह जाने की अभी ज़रूरत है नहीं। और ये काफ़ी ऐसा मतलब गांव टाइप का एरिया, और ऊपर से देखो ट्रेन जा रही है, क्या ही ज़बरदस्त लग रही है, ऑयल कंटेनर की ट्रेन है, और काफ़ी ज़बरदस्त सीन लग रहा है यार। मतलब वो बाजू में क्या है भाई, चमक रहा है क्या? पेट्रोल पंप है क्या? हाँ फ्यूल पंप है लग रहा है, हाँ ये फ्यूल पंप है, और हम वापस जाकर सो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है, ये मैंने अभी नोटिस किया है कि भाई अपना जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है, और एक दो एक्सीडेंट और हुए, मतलब थोड़ी सी भी टक्कर हुई तो अपना जो ट्रक वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो सकता है। चलिए ब्लास्ट तो नहीं होगा, पर हाँ पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक अपना है यार, मालिक का होता तो वो पे करता, पर ट्रक तो अपना है। और वापस से टर्निंग आ गई, और हमें वापस से जो है स्पीड स्लो करनी है, और गए ठुके यार। हो सकता है टर्न हो जा यार, अटक गई।
देखना पड़ेगा कार्ड की। निकल सकती है यार, नहीं निकल सकती गाइस। यार यार तो पूरी की तरह पूरी तरह से अटक चुके हैं यार, हल्का सा भी नहीं निकल रही है। बिग एक्सीडेंट हो चुका है गाइस, मतलब पहुंच ही गए थे यार, अभी तो बस खाली देना था यार। तो पावर मोड भी था ना, पहुंच तो चुके हैं और इस सामने वाली रोड के उस तरफ ही है आइटम देना। तो मैं देखता हूँ कोई दूसरे ट्रक से आइटम पहुंचा दूंगा, नहीं तो इसको टो करवाना पड़ेगा और रिपेयरिंग भी करवाना पड़ेगा।